बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 फिजिक्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट का पार्ट नंबर चला है फर्स्ट। ठीक है, भौतिक विज्ञान फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराने आ रहे हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन होता है कि आवेश के ESU और EMU तथा कूलम मात्रों में EMU और ESU के मात्रकों में क्या संबंध है, में क्या संबंध है। इसका आंसर है EMU और ESU, यानी कि एक कूलम बराबर होता है, ये उत्तर, 10^-1 EMU बराबर होता 3×10^9 ESU, यानी एक कूलम बराबर 10^-1 EMU और एक कूलम बराबर 3×10^9 ESU। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, क्वांटीकरण Q बराबर Ne से डिपेंड है। Q बराबर Ne, कुल आवेश बराबर N इंटू E, यहाँ पे N होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये प्लस माइनस N कहा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1×6×10^-19 कूलाम। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, यानी कि क्वांटीकरण में पूरी पूरी संख्या होती है प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस का 3e, प्लस माइनस का 4e, इस तरह से हो सकते हैं, आवेश धनावेशित और ऋणावेशित हो सकते हैं, परंतु जैसे 0.5e, 1.5e ये नहीं हो सकते हैं, इसको आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दो, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। उत्तर में ई इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q0, ये लैंग्वेज मैंने लिखाई भी है और इसको फिर से रिवाइज कर दें, अच्छी है। देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर, कोई परीक्षण आवेश क्या है Q0 पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को
आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं इसे, ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्य क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसमें वेक्टर का साइन लगा हुआ है वो सदिश राशि है। जबकि परीक्षण आवेश जो क्यू नोट लिखा है वो सदिश राशि नहीं है, और वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ई एक सदिश राशि है। तो ई इक्वल टू है एफ अपॉन क्यू नोट। अगला क्वेश्चन है इसी में, वैद्युत एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं या क्या है या किसके बराबर होता है। तो आंसर में आएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹⁹ वोल्ट। ठीक है, 1 eV इक्वल टू 1×10⁻¹⁹ वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के आवेश और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जिसको लैंग्वेज लेना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काफ़ी यूजिंग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹⁹ वोल्ट।